जानिया में म्यूनिसिपल कमेटी के अमले की नाहली से मुख्तलिफ बाजारों में तजावजात की भरमार लग गई। शहरियों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है, जबकि ताजिरों ने भी दुकानों के सामने ही रेड़ियां लगा दी हैं। ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासर होने लगी है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे न्यूज़ वन आमिर सज्जाद से। जी आमिर, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, जहानिया शहर के मुख्तलिफ बाजार जिनमें सदर बाजार, अलदाद बाजार, ग्यारह चाक वाला बाजार समेत जो दीगर बाजार है, यहाँ पर जो है नजायज तजावजात की भरमार है। नजायज तजावजात की वजह से खास करके जो पैदल चलने वाले हैं उनका जो पैदल गुजरना है वो भी काफी मुश्किल हो चुका है। नजायज तजावजात की वजह से खास करके स्कूल के औकात में पैदल जाने वाले बच्चे और बच्चियों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ भी जहानिया के अलदाद बाजार में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी जो है नजायज तजावजात की वजह से जो रोड है वो बंद हो चुके हैं, शहरी जो है उनको काफी मुश्किल का सामना। इस वाले से जब हमारी से बात हुई तो शहरियों का यही कहना था कि बार बार म्यूनिसिपल कमेटी के अमले को दरखास्तें दी हैं, शिकायत की हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नजायज तजावजात का खात्मा ना किया जाता था। जो म्यूनिसिपल कमेटी का अमला है वो मुबैना तौर पर खुद ही मंथलियां लेकर नजायज तजावजात कैंप करवाने में मसरूफ है। तहम जो शहरी हैं उन्होंने डिप्टी कमिश्नर खानेवाल, कमिश्नर और मुल्तान से मुतालबा किया कि जहानिया शहर के जो बाजार है जिनमें नजायज तजावजात की भरमार है उनमें जो है ग्रैंड ऑपरेशन किया जाए ताकि जो रोड है वो खुले हो सके, जो शहरी हैं वो आने जाने में उनको जो मुश्किल हो सके। जी बहुत शुक्रिया आमिर सज्जाद, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन उससे कबल न्यूज़ अपडेट।